आज हम बात करेंगे एक ऐसे प्लांट के बारे में जिसको इकोलॉजिकल टेररिस्ट की संज्ञा दी गई है। जी हाँ, आज हम बात करेंगे यूकेलिप्टस का। नमस्कार, हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर से। यूकेलिप्टस ये फैमिली मेटेसी का प्लांट है। अगर हम इसके मेडिसिनल यूज की बात करें तो इसका तेल डिस्टिलेशन मेथड से निकाला जाता है, जो कि एक स्ट्रांग इसके पत्तियों से तेल निकाला जाता है, जो कि स्ट्रांग डिसइन्फेक्टेंट है और इसका उपयोग कीड़े मारने में या अस्थमा में के इलाज में, स्किन अल्सर में, दांतों के दर्द में, और ये हाईली उत्तेजक व एंटीसेप्टिक औषधि के रूप में भी इसके तेल का इस्तेमाल किया जाता रहा है। तो हम बात करेंगे इसको क्यों इकोलॉजिकल टेररिस्ट की संज्ञा दी गई। ये एक दिन में करीब 12 लीटर से ज़्यादा या 24 गैलन पानी सोख लेता है, यानी कि धरती की कोख को सोख लेता है, दूसरे शब्दों में अगर हम कहें तो। और दूसरी बात, शुरू में सरकार ने इसके प्लांटेशन पे बहुत ध्यान दिया, बढ़ावा दिया, लेकिन बाद में जब तमाम रिसर्च से ये पता चला कि ये उस एरिया के जल स्तर को और नीचे करने में, कम करने में योगदान दे रहा है, तो सरकार ने इस पर बैन लगा दिया। वो अलग बात है कि 30 जनवरी 2019 को इस बैन पे कोर्ट ने स्टे लगा दिया गया है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसको इकोलॉजिकल टेररिस्ट की संज्ञा क्यों दी गई है, इसके मेडिसिनल यूज क्या क्या हैं, अगर हम देखें तो ये इसके जड़ के आसपास और दूसरे घास वगैरह बहुत कम दिखेंगे या प्लांट बहुत कम दिखेंगे। उसका रीजन यही है कि ये अपने आसपास के पोषक तत्वों को सोख लेता है पानी के साथ। लेकिन इसका एक बेनिफिट भी हो सकता है, ये काफ़ी ऊंचा प्लांट है जैसा कि आप देख पा रहे हैं, तो ये जो है इसका बेनिफिट ये हो सकता है कि अगर हम इसको ऐसी जगह पे लगाएं जहां नाले हों, गंदा पानी जिसमें बहुत ज़्यादा सीवेज या दूसरे केमिकल्स हों, तो ये क्या करता है कि पानी के साथ उन केमिकल्स को भी एब्जॉर्ब कर लेता है, यानी कि प्रदूषण को रोकने में ये जो है कारगर साबित हो सकता है। तो इस प्लांट को इसी वजह से अब जो है मेन कृषि योग्य भूमि पे न लगा करके ऐसे नालों के आसपास लगाया जाए जो जहां प्रदूषित पानी बहता है, तो वहां पे ये काफ़ी लाभकारी साबित हो सकता है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, अगली बार फिर हम किसी नए प्लांट और एनिमल को एक्सप्लोर करेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।